नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारे पास है जो फ्लेयरिंग टूल है, ठीक है, ये पुराना मॉडल का फ्लेयरिंग टूल है, तो इसके जगह पे नया आपको फ्लेयरिंग टूल दूसरा बताने वाला है, जो कि मतलब यूज करने में भी ईजी होगा, ठीक है, और आसान भी होगा काम करने में। तो आप देखेंगे कि जैसे ये पुराना वाला जो फ्लेयरिंग टूल है, ये हमारा क्वार्टर से लेकर के मतलब 316 से लेकर के 58 तक का है, ठीक है, 58 तक का ही होता है इस टाइप में, तो 58 तक का है। और इसको यूज करने के लिए हमको ये फ्लेयरिंग टूल, ठीक है, उसके साथ ये नोस प्लेयर रखना पड़ता है, ये पाइप को फैलाने के लिए नोस प्लेयर रखना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ एक फाइल रखना पड़ता है, जो कि फाइल से इसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। मगर ये जो नया वाला जो फ्लेयरिंग टूल है, उसमें आपको ये फाइल और नोस प्लेयर और ये एक फ्लेयरिंग टूल, इस इतने सामान का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस दो ही सामान का ज़रूरत है। तो हम चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, कौन सा फ्लेयरिंग टूल है। ठीक, इस वाले फ्लेयरिंग टूल में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें घाट बना हुआ है, ये ठीक है, ये घाट मतलब इससे जस्ट ऊपर ही आपको एक अंदाज से ही देख करके मतलब देख करके इसके ऊपर लगाना पड़ता है, कि जब तक ये जो फ्लेयरिंग है, ठीक है, ये इस पे बराबर बैठेगा, ठीक है, ये जो घाट है घाट में जब तक नहीं बैठेगा ये, ठीक है, तब तक आपका फ्लेयर बनेगा नहीं ढंग से, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो पाइप फट जाता है, फ्लेयर फट जाता है, ठीक है, और पुराना पाइप पे तो अधिकतर पुराना पाइप जो होता है फट जाता है, और क्वार्टर पाइप होता है, ज़्यादातर क्वार्टर पाइप इसमें फट ही जाता है। तो चलिए हम नए वाले के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास नया वाला फ्लेयरिंग टूल, ठीक है, ये 45 डिग्री फ्लेयरिंग टूल है, ठीक है, ये ऑफलाइन लेंगे तो आपको लगभग 700-800 के आसपास आ जाएगा, जो कि लोकल है, ठीक है। अगर आप यही ब्रांड में लेना चाहेंगे तो अमेज़ोन पे 7000 के आसपास आ जाएगा। तो मैं जस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल ही यूज करें, आपका 2-3 साल तक चल जाएगा आराम से, ठीक है। ये मॉडल है CT525F, ठीक है, ये अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोकल दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदने जाते हैं तो ये लगभग आपको 7000 के आसपास आएगा, और कहीं कहीं तो 12000 के आसपास भी अमेजोन पे शो कर रहा है, तो आप ये ऑफलाइन ख़रीदें, ठीक है। ऐसे अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यूज करके बताते हैं। इसमें क्या है कि आपको कोई सा भी पाइप का साइज़ हो, ठीक है, ये इसमें आराम से आ जाएगा। इसका अलग अलग, जैसे इसमें है कि अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा, अलग अलग पाइप के हिसाब से 5/8, क्वार्टर, हाफ, 3/8, सब के लिए अलग अलग है। इसमें है कि सब एक ही साथ है, आपको कोई सा भी लगाना है सब एक ही साथ है। जैसे अभी क्वार्टर का बना करके बताता हूँ, इसमें ये हमारे पास क्वार्टर का पाइप है, ठीक है, तो क्वार्टर का इसमें लगा लेना है। और ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही रखना है, इतना ही गैप यहाँ पर रखना है, आप हल्का सा ऊपर भी रख सकते हैं, कोई इसका ये नहीं है, लिमिट नहीं है। तो आप इतना रखना है कि ये आराम से इसमें बैठ जाए, ठीक है, तो हम इस पर इसको इतना रख लेंगे, ठीक है, इसको टाइट कर लेंगे। इसमें आपको फाइल मारने की भी ज़रूरत नहीं है, और नोस प्लेयर से इसको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो ये आप देख रहे हैं, ये नोस प्लेयर का ही काम करता है, ठीक है, तो इसमें फाइल की जो ज़रूरत नहीं है और नोस प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर फाइल अगर नहीं मारेंगे या नोस प्लेयर नहीं मारेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका जो पाइप है वो फट जाएगा, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसमें फाइल भी नहीं मारा हुआ है और नोस प्लेयर भी यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ कटर से काटा हुआ है। तो हम इसको बना करके आपको बताते हैं। देखिए
बस ये बराबर में लगा लेना है, और इसको नीचे अंदर तक नहीं दबाना है आपको, सिर्फ इस पे देखना है इसको, बस इतना ही पे, ये अंदर तक दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा ये घाट बना हुआ है इसमें, ये खुद ब खुद उसको फैला देता है और फटने भी नहीं देता है। ये देख सकते हैं, ये जो घाट बना हुआ है खुद फैला देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लेयर बन के रेडी हो गया हुआ है, आपको खोल करके निकाल के बताते हैं आपको। ये देखिए, ये ज़रा सा भी फटा नहीं है कहीं से भी, ठीक है, ये देखिए ज़रा सा भी कहीं से फटा नहीं है, और ये बराबर बराबर इसका फ्लेयर बन गया है, ठीक है। तो अगर आप अगर इस वाले फ्लेयरिंग टूल से यूज करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप हाइट पे चढ़ के बना रहे हैं तो आपको नोज प्लेयर्स और फाइल वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार जो फटने का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आप बना रहे और फट जाता है बार बार, तो वहाँ पर वो दिक्कत नहीं आएगा कि पाइप आपका फट जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये पुराना पाइप है, ठीक है, मेरा स्पेयर पड़ा हुआ पुराना पाइप है, तो इसको हम आपको बना के देखते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये पूरा कार्बन लगा हुआ है, पूरा पुराना पाइप है, ठीक है, तो इस पर हम आपको बना के दिखाते हैं। देख सकते हैं इतना पे हम इसको लगा लिए हैं, अब इसको हम फ्लेयर करके बताते हैं आपको। ये देख सकते हैं अब इसको फ्लेयर करते हैं, ये देखिए पुराना पाइप होने के बाद भी ये फटा नहीं है, ठीक है। ये एकदम पुराना पाइप है, लगभग 2 साल से ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद भी ये फटा नहीं है। फ्लेयर बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पुराने पाइप में फ्लेयर बनाने में, ठीक है, और क्वार्टर वाले में तो जब भी आप बनाएंगे तो लगभग 1-2 बार फट ही जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पुराना पाइप है, फट नहीं रहा है, बराबर फ्लेयर बन रहा है। तो आप अगर ये वाला अभी तक यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन लेना है तो उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत महंगा आएगा, और अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो 700-800 के आसपास से आप अपने लोकल जो दुकान होगा स्पेयर पार्ट का, उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको हाफ का बनाना है, ठीक है, तो इसमें फ्लेयर नट हम लगा करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हाफ का है, देखिए इसमें भी है कि नोज प्लास और फाइल से हमने फैलाया नहीं है, ठीक है, फ्लेयर बनेगा, ठीक है। तो देखिए फ्लेयर इसमें बन गया हुआ, ये बराबर इसको बैठाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बराबर ये फ्लेयर बन गया है इतना ही पे। ये देखिए इसमें बराबर आपका ये बैठ गया है फ्लेयर, ठीक है। आपको अगर काम करते समय टाइम बचाना है, ठीक है, तो
तो आप ये फ्लेयरिंग टूल का यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप ये पुराने वाले फ्लेयरिंग टूल का यूज करेंगे तो वही होता है, बार बार फटता है, ठीक है पाइप। तो आपको पाइप फटने से बचना है, बार बार जो पाइप फटता है वो टाइम वेस्ट होने से बचना है। तो आप ये फ्लेयरिंग टूल परचेज कर सकते हैं जो कि ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन लगभग आपको 7000 के आसपास अमेज़न पे शो कर रहा है, तो आपको वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।